तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कौन कौन से प्रकार की शेडिंग्स होती हैं। अगर ड्राइंग करते हैं आप तो आपको पता होगा कौन कौन से प्रकार की शेडिंग होती है। अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। सबसे नंबर वन में आती है हमारी हैचिंग। ये हैचिंग बहुत प्यारी ड्राइंग में लगती है, बहुत अच्छी लगती है जो हम करते हैं। अगर इस वाली हैचिंग को हम ड्राइंग में डालते तो बहुत ही प्यारी लगती है हमारी ड्राइंग। तो आते हैं हम नंबर टू पे। तो मैं दूसरी शेडिंग का नाम है पॉइंटलिज्म। पॉइंटलिज्म एक ऐसी शेडिंग है जिसमें हम पॉइंट पॉइंट लगा के पूरी ड्राइंग में शेड करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग वाली है। इसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस वाली शेडिंग में। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे प्यारी ड्राइंग लगती है इस वाली शेडिंग की। अगर आपको आपने यूज़ नहीं की वाली शेडिंग तो यूज़ जरूर कीजिएगा। नंबर थ्री पे आते हैं हम। तो हमारे अपने नंबर थर्ड पे, इसमें कुछ भी नहीं होता है, सॉरी में होता है बस सीधी सीधी लाइन खींचनी। और इसका नाम है हॉरिजॉन्टल। तो ये सबसे मतलब इजीएस्ट ड्राइंग में से एक होती है। बस सीधी सीधी लाइन खींचनी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये वाली अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिएगा। तो आते हैं नंबर फोर पे। तो नंबर फोर पे आ गई हमारी एंगल्स। एंगल वाली जो होती है ये होती है बस टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी है। इसका नाम होता है एंगल। ये सबसे हार्ड होती है, जो आपका हाथ नहीं लगता है, मतलब आप इसको शेड नहीं कर पाते सही से। तो हम आते हैं अपने नंबर फाइव पे। तो नाइन नंबर फाइव पे है एक वर्टिकल वाली शेडिंग। तो इसमें आता है बस सीधी सीधी, मतलब यूँ बिल्कुल सीधी लाइनें खींचनी है। और इसमें पूरी पूरी आपको ड्राइंग में बस यही करना, सीधी लाइनें खींचनी है। तो उसको ये भी एक अपनी शेडिंग है ये, बट यहाँ इंडिया में यूज़ नहीं होती ज़्यादातर। तो आते हैं नंबर सिक्स पे। तो ये वाली शेडिंग कुछ नहीं है, बस इसमें ये वाली शेडिंग का नाम है ब्लेंडिंग। इसमें पहले तो हमें एक क्या कहते हैं यू करके बस लाइनें खींचनी है। और क्या कहते हैं एक रुई लेनी है, जो रुई होती मार्केट में मिल जाती है रुई, उससे उंगली से यू करना है। तो भाई ये वाली शेडिंग हो जाएगी। ये तो थोड़ी हार्ड है, ये वाली आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी ब्लेंड नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आज का हमारी सीरीज पूरी हुई टाइप ऑफ शेडिंग की। तो अगर आपको सारी वीडियो को देख के कुछ आप पाए हो या कुछ आप समझे हो तो वीडियो बना पाएगा। अगली वीडियो के लिए।